हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ प्रीत में। तो आज जो न्यूज है सक्षम साथियों के लिए एक बहुत ही ध्यान देने योग्य न्यूज है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना कि आदरणीय बेरोजगार शिक्षित युवा साथियों, आप सभी साथियों को मालूम है कि रोजगार विभाग बेरोजगार युवाओं से बेरोजगारी भत्ते की रिकवरी कर रहा है। ये तो कब से ही चला हुआ है कि बेरोजगारी भत्ते की रिकवरी कर रहा है, लेकिन हरियाणा के जो सोनीपत है, नूह है, चरखी दादरी है, उसमें यह कई केस मिले हैं जहाँ पर रिकवरी शुरू हो गई है। यह पूरे राज्य में की जाएगी, तो आप अभी से ध्यान दें कि यह पूरे राज्य में की जाएगी, हरियाणा राज्य में। इसका इलाज केवल हम सब इकट्ठा होकर आंदोलन करके ही सरकार की तानाशाही का जवाब दे सकते हैं। तो अब समय आ चुका है कि आप सब सक्षम युवा साथी इकट्ठा हो कर आंदोलन करके सरकार की तानाशाही का जवाब दे, नहीं तो फैमिली आईडी में बेरोजगार युवाओं को यह सरकार रोजगार युक्त बना देगी। आओ इकट्ठे होकर एक मजबूत आंदोलन करके सरकार की तानाशाही का जवाब दे। आपका सक्षम साथी विनोद डडोली जी, राज्य प्रधान सक्षम युवा हरियाणा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है नवीन सांगवान, जिला प्रधान चरखी दादरी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि सोनीपत, नूह और चरखी दादरी में जो रिकवरी शुरू हो चुकी है, अब ये पूरे हरियाणा राज्य में होगी। इसका जो सोल्यूशन यही है कि इकट्ठे हो, आंदोलन करिए और सरकार की तानाशाही का जवाब दीजिए। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी सक्षम युवा साथी एक रहे, अपनी एकता का परिचय दिखाए और ये वीडियो हर सक्षम युवा साथी के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।